ये क्वेश्चन पेपर ओल्ड क्वेश्चन पेपर है ये, इसका हम प्रैक्टिस करवाते हैं और जितने भी ऑप्शन हैं सभी को हम यहाँ पर डिस्क्राइब करते चलते हैं, ठीक है। तो ये आने वाले एग्जाम्स के लिए, सीपीसीटी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं सभी को हम डिस्क्राइब करेंगे, जो इंपॉर्टेंट की फैक्ट हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पे बताते चलेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित कर देता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कंपाइलर कहते हैं, ठीक है, ओके। तो यहां पर देखिए कंपाइलर क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम जो संपूर्ण प्रोग्राम को, पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है उसे हम क्या कहते हैं, कंपाइलर कहते हैं। अच्छा, ये जो कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है ना, इनको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटर। ये अपने क्या हैं, ट्रांसलेटर हैं, ये ट्रांसलेट काम करने का काम करते हैं, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो देखिए कंप्यूटर में हमें ट्रांसलेटर की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि आपने कंप्यूटर में कुछ निर्देश दिया, ठीक है, आपने कंप्यूटर में कुछ भी निर्देश दिया, तो ये निर्देश कंप्यूटर में जो आप इनपुट कर रहे हो वो डायरेक्टली कंप्यूटर उसको समझ नहीं सकता है, क्योंकि आप जानते हो कि कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज समझता है, ठीक है, बाइनरी नंबर समझता है, ठीक है ना, 0-1 के फॉर्म में वैल्यू को समझता है, और ये हाई लेवल लैंग्वेज HLL हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझ सकता, जो हम लोग बोलते हैं हिंदी इंग्लिश उर्दू फारसी, ये जो है हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज को ये नहीं समझता। इसलिए हमें क्या करना होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसको हमें क्या करना पड़ता है, ट्रांसलेट करना पड़ता है, क्या करने के लिए, हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की आवश्यकता पड़ती है ताकि उसको कंप्यूटर समझ सके। इसलिए हमें कंपाइलर की आवश्यकता पड़ती है, कंपाइलर जैसे ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कंपाइलर इंटरप्रेटर, ठीक है, इन्हें हमें सबकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ये कर रहा है कि अगर आपको संपूर्ण प्रोग्राम को, संपूर्ण प्रोग्राम यानी कि होल प्रोग्राम को एक साथ हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कंपाइलर का यूज करते हैं। दरअसल कंपाइलर क्या करता है, जैसे अगर आपने कोई भी प्रोग्राम लिखा, ठीक है ना, कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं आप, तो संपूर्ण प्रोग्राम को एक साथ हाई लेवल से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब कंपाइलर होता है तो ये कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करता है, मतलब कि जैसे ही प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करोगे तो एक कोड और जनरेट करता है, उसको हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, और ऑब्जेक्ट कोड के बाद फिर उसको एग्जीक्यूट करता है, मशीन के समझने योग्य बनाता है। तो हम आपको दिखा देते हैं कि कंपाइलर कैसे काम करता है, तो यहां पर हम प्रैक्टिकली आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी भी लैंग्वेज से प्रोग्राम बनाते हो, जैसे कि हम सी बनाते हैं, ठीक है ना, ओके। यहां पर छोटा सा एग्जांपल देते हैं आपको, ओके। ये हमारा सी का कंपाइलर है और यहां पर हम प्रोग्राम एक लिखते हैं, जैसे कि किसी भी दो नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच, वाइड मैन, ये प्रोग्रामिंग आपको हम पढ़ा नहीं रहे, हम आपको प्रोग्रामिंग नहीं समझा रहे हैं, बल्कि ये समझाने जा रहे हैं कि आपका ट्रांसलेटर काम कैसे करता है, आपका कंपाइलर काम कैसे करता है, ठीक है ना, ये समझाने जा रहे हैं, ठीक है ना।
चलिए इसको हम सेव कर देते हैं, इसको हम सेव कर देते हैं मान लीजिए डेमो वन नाम से, ठीक है, डेमो वन नाम से सेव कर देते हैं, इसको हम सेव कर देते हैं, डेमो वन डॉट सी से हो गया है सेव। अब हम इसको कंपाइल करेंगे। अभी देखिए हमारी जो लैंग्वेज लिखी हुई है ना, ये सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बना हुआ है दो नंबर को जोड़ने के लिए, ए 10, ए में वैल्यू है 10, बी में वैल्यू है 20, और दोनों को जोड़ करके सी में कर देंगे, ए प्लस बी बराबर 30 हो जाएगा, सी में 30 आ जाएगा और सी की वैल्यू 30 आएगी तो हम उसको प्रिंट करवा लेंगे। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जो दो नंबर को जोड़ेगा, 10 और 20 को जोड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी ये जो लिखा हुआ है तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अब इसको कंप्यूटर नहीं समझ सकता है, इसलिए हमें करना क्या पड़ेगा, उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो जो आपका प्रोग्राम होता है सी, सी प्लस प्लस, जावा, इसमें आपका क्या काम करता है, ट्रांसलेटर का काम करता है, कंपाइलर काम करता है, ठीक है ना। और आपका जो इंटरप्रेटर होता है तो ये काम कहां करता है, तो ये काम करता है आपका पाइथन प्रोग्राम हो गया और रूबी प्रोग्राम होता है इसमें काम करता है। तो चलिए इसको हम सेलेक्ट करते हैं और करते हैं इसको कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने के लिए अल्ट प्लस एफ नाइन किया हमने, ये अल्ट प्लस एफ नाइन। अच्छा पहले हम ये दिखा देते हैं कि ये फाइल हमारी सेव हुई कहां है, अभी हम कंपाइल नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो हम यहां पर देखते हैं सी ड्राइव के अंदर, ये अपना सी ड्राइव है, ओके 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 ओके, ये सी ड्राइव है और सी ड्राइव के अंदर ये टर्बो सी टू नाम का प्रोग्राम बना है और टर्बो सी टू के अंदर यहाँ पर डेमो वन नाम, देखिए हमने अभी क्या किया है, यहाँ पे डेमो वन नाम से प्रोग्राम सेव किया है ना, तो ये डेमो वन नाम से सेव हो गया है। और कैसी फाइल है, सी की फाइल है, सी की फाइल है और इसका एक्सटेंशन नेम शो कर रहा है, सी शो कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ये सी का सोर्स फाइल है, अगर हम यहाँ पे राइट क्लिक करके और प्रॉपर्टी पे जाएंगे या हम प्रॉपर्टी पे नहीं जा करके अगर हम नोट पर भी ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे वही कोड मिल जाएगा जो आपने यहाँ पर टाइपिंग किया हुआ है, वही सेम चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है ना। लेकिन हमने ये कहा कि ये तो जब प्रोग्राम को आप कंपाइल करोगे कंपाइलर की मदद से तो हाई एक ऑब्जेक्ट कोड बनता है, तो कैसे बनता है देखना, अभी ऑब्जेक्ट कोड यहाँ पे कोई नहीं है, डेमो वन बस है, ठीक है ना। हम जब इसको कंपाइल करेंगे, अल्ट प्लस एफ नाइन करेंगे, कंपाइल करेंगे तो अभी देखिए कोई एरर बता रहा है क्या, कोई एरर नहीं बता रहा है, एरर यानी क्या होती, गलतियां, कोई गलतियां नहीं बता रहा। अगर हम चलिए गलती कर देते हैं, गलती हम ये करते हैं कि यहां पर ये सेमी कॉलन लगाना भूल जाते हैं या लगाते ही नहीं है, तब क्या होगा, यहां पे एरर आएगा, कब, जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे तो देखिए यहां पे एरर बताएगा, ये देखिए बता रहा है एरर वन, क्या एरर है, यहां बताता है कि सेमी कॉलन मिस कर दिए हो, ठीक है ना। तो यहां पर आप सुधारोगे, जहां पे बताएगा कर्सर जाएगा कि यहां पे एरर है, उसके एक नीचे ऊपर या नीचे दिक्कत रहेगी, आपको यहां पे समझ जाना है क्या प्रॉब्लम आ रही है, स्टेटमेंट मिसिंग सेमी कॉलन, तो आपको यहां पे सेमी कॉलन लगा देना है, ठीक है ना। अब हम इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो गया ना। अब हमने ये बताया कि जैसे ही आप प्रोग्राम को ट्रांसलेट करते हो हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में तो एक कोड और जनरेट होता है, उसका नाम है ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है ना। तो यहां पर जाते हो आप, जब ये देखिए ये यहां पर डेमो वन, ये देखिए डेमो वन नाम की फाइल और बन गई है डेमो वन। अब इसके अंदर आप जाओगे ना तो आप इसको जब खोल करके पढ़ोगे इसके अंदर या ओपन करने की कोशिश करोगे देखोगे तो इसके अंदर आप इसको पढ़ नहीं पाओगे, यानी कि आप समझ नहीं पाओगे कि लिखा क्या है एक्चुअली, ठीक है ना। यहां पर जाइए देखिए, ये देखिए इसका यहां पर मतलब क्या है, ये देखिए ये समझ आ रहा है, दरअसल हमारी वही डेमो वन ऑब्जेक्ट फाइल थी, लेकिन यहां पे समझ नहीं आ रहा कि भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये मशीन रीडेबल है, इसको मशीन पढ़ सकती है, ठीक है ना। तो अब इसको हम कर देते हैं बंद। तो कहने का मतलब कि जो कंपाइलर होता है होल प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है, कंपाइलर क्या करता है, पूरे हमारा पूरा प्रोग्राम है तो कंपाइलर का फीचर यह है कि पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है और जो भी एरर आती है तो बाद में बताता है कि यहां एरर है, यहां एरर है, यहां गलतियां हैं, यहां शुद्धियां हैं, यह बताता है। और दूसरी बात कंपाइलर के संदर्भ में यह है कि कंपाइलर जब कंपाइल करते हो प्रोग्राम को तो एक ऑब्जेक्ट कोड बनता है, ठीक है ना, डॉट ओबीजी उसका एक्सटेंशन होता है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई हम इस ऑब्जेक्ट कोड का करें क्या, तो इस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, और रन करने के लिए होता है कंट्रोल प्लस एफ नाइन होता है, और जैसे ही हम कंट्रोल प्लस एफ नाइन करेंगे तो यहां पर देखिए एक कोड और बन गया है, देखिए ये यहां पे कोड और बन गया है डेमो
डेमो वन डॉट ई एक्स ई, यह है आपका एप्स बन गया, एक एप्लीकेशन बन गया है। इस एप्लीकेशन को किसी भी सिस्टम पे ले जाओगे तो यही रिजल्ट आपको दिखाई देगा, 30 आएगा। किसी भी सिस्टम पे ले जाओ जिसमें सी सॉफ्टवेयर नहीं डला है, उस पे आप ले जाओगे तो आपको यहां पर ये 30 रिजल्ट आएगा। इसका सोर्स कोड नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है। किसी भी, अगर आप एंड्रॉइड मोबाइल पे प्ले स्टोर से कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, कोई भी ऐप डाउनलोड करेंगे, उसकी कोडिंग नहीं दिखाई देती है, उसकी एपीके फाइल का जो कोडिंग होता है दिखाई नहीं देगा, केवल वो एप्लीकेशन फाइल बस आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये उसी तरह से एक एप्लीकेशन फाइल यहां पर क्रिएट हो गया है, ठीक है। डायरेक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते थे क्योंकि उसके लिए ऑब्जेक्ट फाइल बनाना जरूरी था। तो यहां पर आपको प्रोग्राम नहीं समझना है, हम आपके प्रोग्राम के सिलेबस में है ही नहीं है, सिलेबस प्रोग्राम नहीं है सीपीसीटी के, ठीक है। तो हम आपको यहां पर यह समझाने जा रहे हैं कि जो आपका यह कंपाइलर होता है, तो समझिए कंपाइलर के बारे में। कंपाइलर क्या करता है, प्रोग्राम जो लिखी होती है, प्रोग्रामिंग लिखी होती है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है, हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि कंपाइलर जो है तो एरर चेक करता है, कोई गलतियां तो नहीं है, पर दूसरा पॉइंट, ठीक है ना। कंपाइलर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, प्रोग्राम के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। अगर आप कंपाइल प्रोग्राम को कर रहे हैं, अगर आपका कोई गलती है, एरर है प्रोग्राम में, तो वो कंपाइलर तुरंत उसको फेच कर लेगा, तुरंत उसको पकड़ लेगा, ठीक है ना। तो कंपाइलर के संदर्भ में ये चीजें हैं। इसके बाद यहां पर जो कंपाइलर होता है, यूज कहां पे होता है कंपाइलर, तो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, इनमें हम क्या यूज करते हैं, कंपाइलर का बहुतायत में यूज करते हैं। और जो इंटरप्रेटर होता है, तो इंटरप्रेटर किसी भी प्रोग्राम में लाइन बाई लाइन प्रोग्राम को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। यह नहीं कि पूरे को एक साथ कर देगा, जैसे कंपाइलर क्या करता है, पूरे को एक साथ कंपाइल करता है और जो भी गलती आती है वो बाद बताता है कि ये गलती है। जो इंटरप्रेटर क्या करता है कि लाइन दर लाइन बताता है। तो आपको यहां पर यह समझना होगा कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों में अंतर क्या होता है। तो देखिए, यहां पर जो इंटरप्रेटर होता है तो क्या करता है कि एक स्टेटमेंट को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जबकि कंपाइलर क्या करता है, मल्टीपल लाइन को, कई लाइन को, पूरे प्रोग्राम को, होल प्रोग्राम को एक साथ लो लेवल लैंग्वेज या मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है, दूसरा, ठीक है ना। इसके बाद जो इंटरप्रेटर होता है, तो एन इंटरप्रेटर टेक्स वेरी लेस टाइम, यानी कि जो इंटरप्रेटर होता है तो ये टाइम कम लेता है, ये टाइम मोर टाइम कंज्यूम, ये टाइम ज्यादा लेता है, ठीक है ना। यहां पर जो इंटरप्रेटर होता है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट नहीं होता है, जबकि कंपाइलर में ओबीजे ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट होता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये लाइन दर लाइन प्रोग्राम को क्या करता है, ट्रांसलेट करता है और ये एक साथ ट्रांसलेट कर देता है। और जो इंटरप्रेटर होता है, इसका यूज होता है रूबी और पाइथन जो प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग होती है, इनमें अप्लाई होता है। और जो कंपाइलर होता है सी, सी प्लस प्लस में ये अप्लाई होता है। तो यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन पूछा था, इसलिए हमें आपको यहाँ पे डिटेल बता दिए हैं। और हाँ, तो ये जो कंपाइलर होता है, समझ गया ना, तो संपूर्ण प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित कौन करता है, कंपाइलर। और लाइन बाय लाइन कौन करता है, एंटर पेटर। अच्छा, तो आपको थोड़ा सा और कुछ मेन फैक्ट बता देते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित प्रोसेसर का विकास किसने किया, कंप्यूटर जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर का विकास किसने किया, टेड हॉफ ने प्रोसेसर का विकास किया। कब किया, 1970 में, ठीक है ना। प्रोसेसर का नाम कौन सा है, 4004, ठीक है, ये तो अलग से फैक्ट आपको हम बताते चले रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बाद जो और भी प्रोसेसर होते हैं, अगर क्वेश्चन पूछता है कि ये क्या है सभी, जैसे कि एथलॉन, ड्यूरॉन, पेंटियम, सेलरॉन, ठीक है ना, ये सभी क्या है, प्रोसेसर के नाम है, ठीक है, ये प्रोसेसर, कंप्यूटर प्रोसेसर के नाम है। अच्छा है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये अलग मैटर है, ये क्वेश्चन अपना अलग है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, इतना क्वेश्चन अलग। डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी इज यूज टू, डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी जो होता है, इसका यूज कहां पे होता है, कैसे करते हैं, इसका यूज क्या होता है, डिस्क क्लीनअप। डिस्क यानी कि आपका हार्ड डिस्क, समझिए जो कंप्यूटर में आपका डिस्क लगा होता है वो, उसकी बात कर रहा है। डिस्क को क्लीन करने का काम कौन करता है, डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी करता है। अच्छा, ये करता क्या काम है डिस्क क्लीनअप, तो चलिए डिस्क क्लीनअप के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। देखिए,
जो डिस्क क्लीन अप होता है, आल प्रोग्राम पे आप जाओगे, कंप्यूटर के आल प्रोग्राम पे, आल प्रोग्राम के अंदर आपको जाना पड़ेगा एसओ सीरीज में, एसओ सीरीज के अंदर आपको यहां पर मिलेगा सिस्टम टूल मिलेगा, और सिस्टम टूल के अंदर आपको मिल जाएगा यहां पे डिस्क क्लीनअप मिल जाएगा। ये देखिए डिस्क क्लीनअप मिल गया। अब इसका काम क्या है भाई, ये काम क्या करता है, तो आपको हम दिखा देते हैं कि जब आप इंटरनेट चलाओगे, कोई भी ऑनलाइन वर्क करोगे, कोई भी एप्लीकेशन आप खोलोगे, तो एक प्लेस होता है जहां पे टेम्परेरी फाइलें ऑटोमेटिक जाकर के क्रिएट होती रहती हैं। टेम्परेरी फाइलें, वो टेम्प फाइलें होती हैं, टेम्परेरी फाइलें बनती जाती हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं टेम्परेरी फाइलें होती कहां हैं। तो विंडो आर प्रेस करेंगे और यहां पे डबल इन्वर्टेड कोड लगाएंगे और यहां पर लिखेंगे टेम्प और एंटर मारेंगे, ठीक है ना। ये देखिए यहां पे टेम्परेरी फाइलें खुल गई हैं, ये देखिए ये सभी टेम्परेरी फाइलें आपको यहां पे दिखाई दे रही हैं, दिखाई दे रहे हैं टेम्परेरी फाइलें। ये सर टेम्परेरी फाइलें वो फाइलें होती हैं, ये जो फाइलें आपको दिखाई दे रहे हैं कहां पे है, ये यहां पे टेम्प के अंदर। टेम्परेरी फाइलें कंप्यूटर के अंदर वो फाइलें होती हैं जो यूजलेस होती हैं, जिनका कोई काम नहीं होता है। जब हम इंटरनेट चलाते हैं, कोई एप्लीकेशन चलाते हैं, तो टेम्परेरी फाइलें ऑटोमेटिक क्रिएट होती रहती हैं। अगर हम इनको डिलीट भी कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये दरअसल अननेसेसरी फाइलें, अननेसेसरी यानी कि अनावश्यक फाइलें होती हैं। अगर हम इनको हटा भी देते हैं हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हम टेम्परेरी फाइलों को हटाते कैसे हैं, पहले देखिए। तो आपको विंडो आर प्रेस करना है, विंडो आर प्रेस करोगे जब, तो आपको यहाँ पर यह देखने के लिए मिल जाएगा कि डबल कोड लिखना है, फिर परसेंटेज चिन्ह लगाना है, इसके बाद लिखना है टेम्प लिखना है, एंटर मारना है, तो कंप्यूटर में जितने भी टेम्परेरी फाइलें हैं ये आ जाएंगी। अब हमें हटाएंगे कैसे, तो इसको हम हटाएंगे डिस्क क्लीनअप से। और डिस्क क्लीनअप होता कहां है, और डिस्क क्लीनअप आपका हमने बताया कि आल प्रोग्राम पे जाओगे, एसओ सीरीज पे आप जाओगे, एसओ सीरीज कहां गए भाई, एसओ सीरीज पे जाएंगे और यहां पे जाएंगे आप सिस्टम टूल्स पे जाएंगे, सिस्टम टूल के अंदर आपको मिल जाएगा डिस्क क्लीनअप। ये है डिस्क क्लीनअप, ठीक है ना। अब आपको ओके कर देना है, जिस भी ड्राइव के नेसेसरी फाइलों को हटाना है, तो यहां पर यह डिस्क क्लीनअप ओपन हो गया है या हो रहा है यहां पर देखिए, ठीक है। ये थोड़ा सा कुछ सेकंड टाइम लगेगा, हाँ जैसे ही प्रोसेस पूरी होगी तो ये यहाँ पे खुल जाएगा। अब बता रहा कि आपको क्या कैसी कैसी फाइलें हटाना है, टेम्परेरी फाइलें इंटरनेट वाली हटाना है, कि जो ऑफिस की फाइल सेटअप फाइल होती है टेम्परेरी बनती हैं उसको हटाना है, कि टेम्परेरी और कौन कौन सी फाइलें हटानी है, तो लॉक फाइल क्या कैसे हटाना है, तो आप चूज कर लो। इसके बाद चूज करने के बाद आप क्या करो, क्लीन अप क्लीन कर दीजिए। और जैसे ही आप क्लीन करेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे ओके करके कि यहाँ पे ये फाइलें हटने लगेंगी, जो बैकग्राउंड में फाइलें पड़ी हुई हैं ये फाइलें क्रम से हटने लगती हैं, ठीक है ना। ये देखिए अभी प्रोसेस चल रही है और कुछ ही मिनट लगेंगे। ओके क्लीन हो रहा है, और फाइलें पड़ी हुई हैं टेम्परेरी फाइलें, इनको हटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ से हटा देते हैं। ठीक, चलिए ये अपने टेम्परेरी फाइलें हट गई हैं। तो यहाँ पे सिंपल ये था कि डिस्क क्लीनअप क्या होता है, डिस्क क्लीनअप का यूज होता है इरेज अननेसेसरी फाइल फ्रॉम योर डिस्क ड्राइव, ठीक है। अगर आप यहाँ पे उसको ओपन करके देखते हैं, और ये आल प्रोग्राम पे आप जाइए, इसके अंदर सिस्टम टूल के अंदर, और ये अपना है डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप के बारे में यहाँ पे आप सर्च करने की कोशिश करेंगे, देखिए यहाँ पे इससे रिलेटेड हेल्प दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो खुलेगा। तो यहाँ पे तब क्या बता रहा है कि डिस्क क्लीनअप का यूज क्या होता है, If you want to reduce the number of necessary file on your hard disk, free disk space and help your computer run fast, use disk cleanup. है ना, it's remove temporary file, empty the recycle bin and removes weight of system files and other items that you no longer needs. यानी कि ऐसी फाइलें जिसे हमें आवश्यकता नहीं होती है, अननेसेसरी फाइलों को हम अपने डिस्क से हटा सकते हैं, ठीक है। तो क्रिएट करना नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इरेज अननेसेसरी फाइलें, अननेसेसरी फाइलें यानी कि अनावश्यक फाइलों को कंप्यूटर से हटाना, अनावश्यक फाइलों को कंप्यूटर से हटाना डिस्क क्लीनअप का यूज कहलाएगा, ठीक है ना। ओके ओके, इसके बाद हम एमडीए का
प्रोसेसर के बारे में बता रहे थे कि प्रोसेसर कौन कौन से होते हैं, उनमें से आपका एएमडी प्रोसेसर, एएमडी प्रोसेसर का फुल फॉर्म क्या होता है, एएमडी का एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस, एएमडी का फुल फॉर्म, एएमडी का प्रोसेसर होता है, लैपटॉप में भी आते हैं, ठीक है ना, एएमडी प्रोसेसर आते हैं, तो एएमडी का फुल फॉर्म एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस, ठीक है, और किसके द्वारा बनाया गया है, जेरी सेंडर्स इन 1969 में डेवलप किया गया है, ठीक है, तो यहां पे एएमडी से रिलेटेड भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज रिक्वायर्ड टू रिबूट द सिस्टम, अगर आपको सिस्टम को रिबूट करना है, रिबूट करना है यानी कि अगर आपको फिर से चालू करना है सिस्टम को, तो इसके लिए हमें क्या प्रेस करना होता है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल आप प्रेस करके क्या कर सकते हैं, आप हाँ सिस्टम को रिबूट यानी कि फिर से चालू कर सकते हैं। अच्छा, बूट यानी बूटिंग क्या होती है, व्हाट इज बूटिंग प्रोसेस, बताया था बूटिंग प्रोसेस, बूटिंग प्रोसेस क्या होती है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम को, जब आप सिस्टम को ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड होता है, उसको हम बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। बूटिंग प्रोसेस दो भाग होती है, एक होता है कोल्ड बूटिंग और दूसरा होता है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या होता है, जब सिस्टम को आप शुरू में चालू करते हो, सिस्टम बंद है अपना, उसको आप चालू करोगे तो क्या कहलाएगा वो, कोल्ड बूटिंग। अगर जैसे हमारा सिस्टम पहले से चालू है उसको क्या करो, फिर से आप रीस्टार्ट करो, उसको हम कहेंगे क्या, क्या कहेंगे, वार्म बूटिंग, ठीक है ना। हार्ड बूटिंग और सॉफ्ट बूटिंग भी कह सकता है, हार्ड बूटिंग यानी क्या होता है, जब सिस्टम अपना बंद है उसको आप चालू करो, हार्ड बूटिंग कहलाएगा, और सॉफ्ट बूटिंग क्या कहलाएगा, सिस्टम को रीस्टार्ट करना सॉफ्ट बूटिंग कहलाएगा, ठीक है, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है ना। बूटिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो यहां पर कंप्यूटर को फिर से रिबूट करने के लिए, फिर से चालू करने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो इसके लिए हम रिबूट है तो क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल का यूज करते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं, जीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, अक्सर पूछता है एग्जाम में, जी व्हाट इज जीपीयू स्टैंड फॉर, जीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जीपीयू का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू क्या होता है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, और जीपीयू को हम कभी कभी वीडियो कार्ड भी कहते हैं, वीडियो कार्ड भी हम जीपीयू को कभी कभी कहते हैं, ठीक है ना, चाहे अब आप वीडियो कार्ड कहो या जीपीयू कहो एक ही बात है, जीपीयू को फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, स्पेशल टाइप ऑफ वायरस व्हिच फाइल्स व्हिच फिल्स ए सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम विथ सेल्फ रिप्लिकेटिंग इंफॉर्मेशन क्लोजिंग द सिस्टम सो दैट इट्स ऑपरेशन और स्लोड और स्टॉप्ड इज कॉल्ड, मतलब कि वायरस का एक प्रकार है जो कंप्यूटर सिस्टम को स्वयं ही प्रतिकृत बनाने की यानी कि सूचना को सेल्फ रिप्लिकेटिंग करता है, जिसमें जिससे सिस्टम बाधित हो जाता है, उसका संचालन धीमा हो जाता है अथवा स्टॉप हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वॉर्म कहते हैं, ठीक है ना। अगर आपके सिस्टम में वॉर्म इंस्टॉल हो गया है, वॉर्म आ गया है आपके सिस्टम में, तो क्या होगा इससे कि इंफॉर्मेशन रिप्लिकेटिंग होगा, रिप्लेस होगा, उसकी डुप्लीकेट बनती जाएगी और सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है धीमा होता जाएगा और काम करना बंद कर देगा। वो किसी वजह से होता है, वो होता है आपका वॉर्म्स की वजह से होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, वी आई आर यू एस, जो कंप्यूटर वायरस होता है, ठीक है ना, कंप्यूटर वायरस, वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, क्या होता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, वायरस का फुल फॉर्म याद रखिएगा, कई भी एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना, वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, वायरस का फुल फॉर्म होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच टाइप ऑफ अटैक्स यूजेस सॉफ्टवेयर टू ट्राई थाउजेंड्स ऑफ कॉमन वर्ड्स सिक्वेंसली इन एन अटेम्प्ट टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू यूजर्स अकाउंट्स, मतलब किस प्रकार के आक्रमण में अन्य उपयोगकर्ता के खाते में अनधिकृत प्रवेश प्राप्त करने हेतु क्रमिक रूप से हजारों सामान्य शब्दों के प्रयोग हेतु सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, तो वो कौन सा आक्रमण है, डिक्शनरी अटैक। ये डिक्शनरी अटैक क्या होता है, जैसे मान लो कि
किसी ने पासवर्ड डाल के रखा हुआ है, ठीक है ना। अगर हैकर हैक करना चाहता है, जैसे मान लीजिए कि पासवर्ड डाल दिया क्या 123@xyz, मान लीजिए पासवर्ड डाल दिया गया है, तो अब जो डिक्शनरी अटैक क्या होता है कि जो हैकर्स होते हैं प्रोग्राम के माध्यम से क्या करते हैं कि डिक्शनरी एक ऐसी क्रिएट करते हैं जो कि इससे मिलता जुलता हजारों संख्या में शब्द क्रिएट होते हैं, जैसे 123@abc, 123@xyz, 123321@xyz, यानी कि सिमिलर वर्ड हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में डिक्शनरी जिस तरह से होती है ना, डिक्शनरी में क्या होते हैं हजारों शब्द होते हैं, तो ऐसे डिक्शनरी क्या करते हैं क्रिएट कर लेते हैं। और डिक्शनरी क्रिएट करने के बाद फिर क्या करते हैं, इसके टेक्स्ट बॉक्स से, जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है पासवर्ड वाला, उससे क्या कर देंगे मैच कराएंगे। और जो मैच कराएंगे, चूंकि इसके डिक्शनरी में अगर जो वर्ड आपके पासवर्ड से अगर मैच कर जाता है तो पासवर्ड क्रैक हो जाएगा, पासवर्ड सक्सेसफुल, बता दें कि यही पासवर्ड है इसका, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, डिक्शनरी अटैक करते हैं। डिक्शनरी में जैसे हजारों शब्द होते हैं, लाखों शब्द होते हैं, ठीक है ना, तो डिक्शनरी अटैक के माध्यम से ऐसा किया जाता है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, डिक्शनरी अटैक कहते हैं, ठीक है ना। बस समझ आ गया। आगे जीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, जीपीयू इज स्टैंड फॉर ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, देखिए सीपीसीटी में ऐसा क्वेश्चन पूछा है आईपी से रिलेटेड। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर कोई भी मोबाइल सिस्टम हो या कंप्यूटर सिस्टम हो, अगर वो नेटवर्क से जुड़ा है तो उसको पहचानने के लिए, सिस्टम को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, अद्वितीय रूप से पहचानने के लिए आईपी का यूज किया जाता है। और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और आईपी कितने बिट का होता है, तो 4 byte का होता है, 8 × 32, 32 बिट का क्या होता है, आईपी होता है, ठीक है ना। तो यहां पर जो आईपी है, आईपी की क्लास 5 class में डिवाइड किया गया है। आईपी 5 category में आती है, 5 class में आता है। कौन कौन सा होता है, तो यहां पर 5 classes हैं, A, B, C, D, E। आपको यहां पर क्लास याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्लास पूछता है कि, यानी जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा, ये जो आईपी दिए हैं, 4 IP दिए हैं, तो ये किस कैटेगरी के हैं, किस वर्ग के हैं, A, B, C, D, E कौन से वर्ग के हैं। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि जो क्लास आईपी होती है, इसके 5 वर्ग होते हैं। ए में आता है 1 से लेकर 26 तक आता है, बी क्लास में आता है 1 से लेकर 128 से 199, और सी क्लास में आता है आपका 192 से 223, और डी क्लास में आता है 224 से 239, और ई क्लास में आपकी आईपी आती है 240 से 255 के बीच में आता है। अब बातें आती है कि यहां क्या पूछ रहा है कि जो आईपी दिया गया है, ये वर्ग ए, वर्ग क्लास ए की कौन सी आईपी है, क्लास ए वाली, ये यानी कि आपका 1 से लेकर 126 के बीच में कौन आ रहा है, तो 1 से लेकर 126 में आपका ये वाला आ रहा है, ये है ना, 120 ही है। देखिए 1 से लेकर 126 के बीच में जो आएगा वो ए कहलाएगा, तो ए क्लास की जो आईपी एड्रेस है कौन है, ये 120 वाली है, ठीक है ना। आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। जो लास्ट आईपी क्या हो सकती है, 255 से कम ही हो सकती है, ठीक है ना, 58-57 नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर जो ए क्लास की आईपी है वो कितना, कौन सी वाली है, 120 वाली है। बी वाली कहां से स्टार्ट होगी, 128 से। सी वाली कहां से स्टार्ट होगी, 192 से। और डी वाली 124 से। ई वाली 240 से। ये आपको याद करके रखना है, ठीक है ना, क्योंकि आईपी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये आपको अगर 5 series याद है तो बाकी आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए ना, इससे रिलेटेड बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। हाँ, इसमें लूप बैक आईपी होती है, लूप बैक आईपी। ये लूप बैक आईपी कितना हो, कहां से स्टार्ट होता है, 127.0.0.0, ठीक है ना। ये जो आईपी है लूप बैक आईपी, वो सिस्टम की रिजर्व आईपी होती है, हर सिस्टम की रिजर्व आईपी, ठीक है ना। तो अगर आप अपने भी सिस्टम में अगर इस लूप को चलाएंगे ना, इस लूप बैक आईपी को चलाएंगे, तो वो चलेगी। कैसे, पिंग कैसे कराते हैं, पिंग 127.0.0.1, ठीक है ना, इसको आप पिंग करो, तो ये देखिए पिंग हो रहा है। तो एक क्वेश्चन आता है कि अगर आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की कनेक्टिविटी चेक करना है कि क्या जो आईपी एड्रेस इससे कनेक्टेड है, जो एक सिस्टम दूसरे से कनेक्टेड है, क्या ये रियल में कनेक्टेड है, इसकी कनेक्टिविटी चेक करना है, तो हम पिंग करते हैं।
तो पिंग कमांड चलाते हैं, PING पिंग स्पेस, और इसको पिंग करना है, इसको चेक करना है इसकी कनेक्टिविटी। तो हम क्या करेंगे यहां पर 192.168.1 और जो भी इसकी आईपी होगी लास्ट वो चेक करेंगे, अगर कनेक्टेड होगा तो पिंग बताएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि किसी चित्र के अनुपयोगी भाग को हटाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, तो अगर हाँ क्रॉपिंग, क्रॉपिंग कहेंगे। जैसे मान लो कि अगर आपको इतना अनुपयोगी भाग को हटाना है, सपोज ये इतना हटाना है, तो क्या करेंगे इसको हम ऐसे सेलेक्ट करके और ये क्रॉप कर लीजिए, ये क्रॉप, ये क्रॉपिंग कहलाएगा, है ना, ये क्रॉपिंग, इसको हम क्या कहेंगे क्रॉपिंग। जैसे ये अनुपयोगी विभाग इतना इसको हमें क्रॉप करना है, ये क्रॉप हो गया, ठीक है ना, क्रॉप कर सकते हैं। तो किसी चित्र के अनुपयोगी भाग को हटाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्रॉपिंग कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्रॉपिंग हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। अच्छा OSI यानी कि जो नेटवर्क में OSI लेयर होते हैं, सात लेयर होते हैं, लेयर का नाम याद रखना है, कौन कौन से लेयर होते हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, ठीक है ना। नेटवर्किंग जब हम पढ़ाएंगे तब इसको हम डिस्कस करेंगे, इसमें डिटेल बताएंगे, ओके। तो चलिए आज के क्वेश्चन में इतने ही, ठीक है ना, बाकी बताते हैं आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है ना।